चोर ने सिंधमारी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक ने बताया 900 ग्राम सोना सहित 5 से 7 किलो चांदी की चोरी हुई। पुलिस की गश्त पर अब सवाल उठने लगे हैं, पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए चोर प्रयास कर चुके हैं और इस बार ज्वेलरी की शॉप पर चोरों ने हाथ साफ किया। दुकान संचालक की माने तो 900 ग्राम सोना सहित 5 से 7 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया है चोरों ने। अंबिकापुर से ये खबर मिल रही है जहां चोरों ने ज्वेलरी शॉप पर अपने हाथ साफ किए। पुलिस की गश्त पर सवाल उठने लगे हैं। दुकान संचालक की माने तो ज्वेलरी शॉप से 900 ग्राम सोना सहित 5 से 7 किलो चांदी चोर ले। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता शेखर गुप्ता जुड़ चुके हैं। शेखर, अंबिकापुर में एक ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने हाथ साफ किया, लेकिन इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या पूरा मामला है और क्या ताजा जानकारी है? बता दो, अंबिकापुर थाना के चंद कदमों की दूरी में ही जो ज्वेलरी शॉप है वो दुकान है, और मैं अगर बात करूँ 100 मीटर की दूरी में ही वो जो ज्वेलरी शॉप है, लेकिन उसके बाद इससे पहले भी 2 बार चोरों ने प्रयास किया था चोरी के लिए, जिसके बाद दुकान संचालक ने FIR के दर्ज करवाने भी गया था, लेकिन पुलिस वाले ने उनका FIR दर्ज नहीं किया था। लेकिन चोर 2 बार असफल रहे, लेकिन आज वो सफल हो गए और जो ज्वेलरी शॉप है उसमें चोरों ने दबिश देकर उनके दुकानों के लगभग 900 ग्राम सोना और 5 से 7 किलो चांदी, जो दुकान संचालक ने जिस प्रकार बताया उनके अनुसार 900 ग्राम सोना और 5 से 7 किलो चांदी का चोरी हुई है। तो फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? पुलिस डॉग स्क्वाड और जो क्रॉसिंग टीम, उनको वहाँ पुलिस की टीम पहुंची हुई है, और पुलिस ये भी बोल रही है कि बहुत जल्द चोरों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन CCTV फुटेज के अनुसार अभी पूरी विवेचना कर रही है पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। अंबिकापुर से ये खबर मिल रही है जहां चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ कर दिया।